नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ इससे बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो MBBS के बारे में हो। तो आज का जो हमारा मेन अपडेट है वो जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जिन बच्चों ने जर्मनी में अप्लाई करना है फ्री स्टडी के अंदर, उनके लिए न्यू इनटेक ओपन हो चुके हैं, जिसमें से पहला इनटेक है नवंबर, फेब, मार्च, अप्रैल। ये चार इनटेक में अपना अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बैचलर के लिए जा रहे हो, चाहे आप मास्टर के लिए जा रहे हो। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने MOA के बेस में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास आईलेट्स नहीं है। जिनके पास आईलेट्स है उनके लिए एक ही इनटेक है, फेब इनटेक, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे उसमें सारी की सारी स्टडी उनकी फ्री होगी, कोई उनका कॉस्ट नहीं लगेगा वहाँ पर। जो भी कॉस्ट लगती है उनका पर्सनल खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट कोरियर करना, बैसी फीस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों का खर्चा रहता है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो MOA के बेस में अप्लाई करना चाहते हैं। MOA के बेस पे अप्लाई करने के लिए आपके पास कॉमर्स की स्टडी होनी चाहिए या नॉन मेडिकल स्टडी होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग स्टडी होनी चाहिए, किसी भी इंग्लिश मीडियम में हो सकती है, चाहे आपका जो बीटेक है वो किसी भी फील्ड में हो, या फिर आपने पहले से ही मास्टर कर लेके, चाहे MTech में हो, चाहे MSc में हो, चाहे MCA कर रखी हो, तो वो भी अपना फ्री स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि उनको वहाँ पे जाके पहले लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज सीखने के बाद ही उनको जो MSc मिलेगी वहाँ पे या बैचलर मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री स्टडी वहाँ पे मिलेगी। अगर आप यहीं से लैंग्वेज करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, तो आपको सीधा वहाँ पे स्कूलिंग प्रोग्राम मिल जाता है। जिन बच्चों ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली इंडिया में, अगर वो जर्मनी में जाकर पढ़ना चाहते हैं फ्री स्टडी के लिए, जो इनटेक मैंने बताया वो इस इनटेक में अपना अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मदद के। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं। एजेंटों के पास जाएंगे बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जहाँ के आप पता भी करेंगे तो 15-15 लाख रुपये, 12-12 लाख रुपये लोग चार्ज कर रहे हैं, अपनी फीस भी ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी से कमीशन भी आ रही है, जो कि आपके प्राइवेट कॉलेज में भेजा जाता है। जिन बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया उनको वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कि एम्बेसी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कर पा रही है, यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं कर रही है, या फिर एम्बेसी यूनिवर्सिटी बच्चों को रिप्लाई नहीं कर रही है। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही कहता हूँ, जब भी आप जर्मनी में अप्लाई करें, हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते हैं वहाँ पर किसी प्रकार कोई लॉस नहीं होता। कल को इनकेस मान लीजिए कोई आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ होता है तो आपका बिना कोई 1 रुपया ख़राब नहीं होता वहाँ पर। अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रीज़न अगर एक भी किसी भी कारण वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट है तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे ख़राब होते हैं, पता नहीं फीस आपकी वापस आएगी कि नहीं आएगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपका वहाँ कोई पैसा नहीं गया, कल को रिजेक्ट भी होता था, कोई लेन देन भी नहीं होता वहाँ पे। प्राइवेट में बहुत सारा लेन देन होता है, कब हमारे पैसे रिफंड आएंगे, बहुत सारी मेल डालनी पड़ती है। जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं, एक एक साल हो गया अभी तक बच्चों की फीस रिफंड नहीं आ रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर आप भी फ्री स्टडी में जाना चाहते हैं इसी इनटेक में जो मैंने बताए हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं या मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरी मदद ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो जर्मनी के अपडेट के बारे में, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।